चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 जिसमें वोटिंग के दूसरे चरण के लिए मतदान होम वोटिंग शुरू 15 और 16 अप्रैल को दूसरे चरण में करवाई जा रही है होम वोटिंग। 13 संसदीय सीटों पर होम वोटिंग की शुरुआत हुई है। पहले चरण की 12 संसदीय सीटों के लिए हो चुकी है होम वोटिंग। 35,061 सीनियर सिटीजन और दिव्यांग मतदाता कर चुके हैं होम वोटिंग। जो मतदाता पहले चरण में पोलिंग पार्टी को मिले अनुपस्थित, उनके घर दूसरे राउंड में आज और कल पोलिंग पार्टियां फिर से पहुंचेगी। 95 वर्ष से ज्यादा बुजुर्ग और 40% से ज्यादा दिव्यांगों के लिए होम वोटिंग हो रही है। मतदाता मतदान कर चुनाव आयोग की पहल पर खुशी जता रहे हैं। तो कल जो लोग अपने घर पर अनुपस्थित पाए गए थे उनके घर पे आज फिर से जाकर होम वोटिंग करवाई जा रही है। और आपको बता दें कि वोटिंग के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया। 15 और 16 अप्रैल को दूसरे चरण में करवाई जा रही है होम वोटिंग। और होम वोटिंग का फायदा जो दिव्यांग है, बुजुर्ग है, उन लोगों को ज्यादा हो रहा है। दीपक गोयल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक, पिछले विधानसभा चुनाव में भी होम वोटिंग के जरिए काफी ज्यादा तादाद में लोगों ने वोट दिया था, अपने मत का प्रयोग किया था। इस बार भी होम वोटिंग की शुरुआत की गई है और हर बार देखा जाता है कि बड़ी तादाद में होम वोटिंग का असर और अच्छा भी रहता है, सुविधा भी मिलती है कि जो लोग मतदान केंद्रों तक नहीं जा पाते उन्हें सुविधा मुहैया कराई गई है। पहले चरण के लिए हो चुकी है, आगे क्या इसका सिलसिला रहने वाला है? देखिए, राजस्थान में दो चरणों के अंदर इलेक्शन होने हैं और इसमें 13 संसदीय जो सीट है जो दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होनी है उसके लिए होम वोटिंग की शुरुआत है वो हो चुकी है, जिसमें कह सकते हैं टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कोटा, भीलवाड़ा और झालावाड़ा। ये 13 संसदीय क्षेत्र वो है जहाँ पर 26 अप्रैल को सेकेंड स्टेज में इलेक्शन होना है। इससे पहले जो 85 ईयर से ज्यादा जो सीनियर सिटीजन है और 40% से ज्यादा जो विशेष योग्यजन है उनको घर बैठे मतदान की यानी कि होम वोटिंग की सुविधा है वो दी गई है और घर आंगन मतदान केंद्र बनाकर पोलिंग पार्टियां उनसे मतदान करवा रही हैं। पहले फेज के अंदर जो 5 अप्रैल से इसकी जो शुरुआत हुई थी और 13 अप्रैल तक जो चली उसमें 35,061 जो मतदाता है पहले चरण में अपना घर बैठकर मतदान कर चुके हैं। और जो 5 से 13 अप्रैल तक जो पहले चरण में होम वोटिंग हुई उसमें जो मतदाता एब्सेंट रहे, अनुपस्थित रहे, उनके यहाँ आज और कल जो फिर से पोलिंग पार्टियां उनके घर पे पहुंचेंगी, मतदान यहाँ पर करवाएंगी। दूसरी बात है कि जो दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हुई है उसमें 7,851 मतदाता है अभी तक जो 13 संसदीय सीटों पर वो अपना वोट कास्ट है वो कर चुके हैं। बहुत लोकतंत्र को मजबूत करने वाली तस्वीरें हैं राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। आपने देखा 2 साल की जो मनोहर ताना की ग्राम अमोड़ी निवासी है, 100 साल की बुजुर्ग रघुनाथ, उन्होंने घर बैठकर मतदान किया जी। दिव्यांग है रियाज मोहम्मद, उसने घर बैठकर मतदान किया। दिव्यांग तुलसी राम है, तहसील पच पहाड़ का निवासी है, डग विधानसभा क्षेत्र का वो विशेष योग्यजन है, उसने घर बैठकर मतदान किया। और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें लोकतंत्र को मजबूत करने वाली जो तस्वीरें हैं वो निकल कर आती हैं। अभी चौटन से एक विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर धाई देवी हैं जिनकी उन्होंने घर बैठकर यहाँ पर मतदान किया है। तो ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाली तस्वीरें हैं। और 15 और ये जो सेकंड फेज है जिसमें इलेक्शन होना है इसकी शुरुआत होम वोटिंग की हो चुकी है, क्योंकि हालांकि सामान्य मतदाता है वो तो 26 अप्रैल को ही सेकंड फेज में इलेक्शन करेगा, वोटिंग करेगा, लेकिन जिनको जिन्होंने होम वोटिंग का विकल्प चुना है, 12D फॉर्म भरकर जिन्होंने दिया है उसमें वो मतदाता है घर बैठकर मतदान कर रहे हैं। जयपुर की यदि हम बात करें तो जयपुर में जो फर्स्ट फेज में इलेक्शन होना है जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर के अंदर, तो जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण में फर्स्ट फेज के अंदर 5 अप्रैल से 13 अप्रैल तक का वैसा शेड्यूल था, लेकिन 10 अप्रैल को पहले फेज की जो वोटिंग है वो कंप्लीट यहां पर कर ली गई थी, जिसमें बढ़ चढ़ कर जो मतदाता हैं जिन्होंने हिस्सा लिया। जयपुर यदि शहर के लिए हम बात करें, अर्बन एरिया है जिसमें 8 विधानसभा क्षेत्र आती है, उसमें 3,632 मतदाताओं ने होम वोटिंग का विकल्प यहाँ पर चुना था, उसमें से 3,442 मतदाता हैं वो वोट कास्ट कर चुके हैं। और ठीक है दीपक, यानी कि इसका लाभ बड़ी तादाद में दिव्यांगों को और जो बुजुर्ग है मतदाता उन्हें मिल रहा है और बड़ी तादाद में इस बार भी देखने को मिलेगा कि होम वोटिंग कितने स्तर तक पहुंचती है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।